subscribe my channel and press bell icon for latest update. नमस्कार, कुकिंग विद दीप्ति में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इस बार लॉकडाउन की वजह से हम अपने त्योहारों की मिठास को फीकी नहीं होने देंगे। तो चलिए झटपट बनाते हैं किचन के दो चार सामानों से ये लाजवाब मिठाई। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड पाउडर के हलवे। ये हलवे बाकी हलवों से स्वाद में, टेक्सचर में बिल्कुल अलग होते हैं। स्पंज मुलायम और कलरफुल। तो चलिए देखते हैं कस्टर्ड हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बाउल में एक कप कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। फिर इसमें एक कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से कस्टर्ड को घोल लेंगे ताकि कस्टर्ड की कोई भी गांठें ना रहें। फिर हम हलवे के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम दो कप चीनी लेंगे और इसमें दो कप पानी डालेंगे। पानी डाल करके चीनी को तेज फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल ना जाए। जब तक चीनी पानी में घुल रही है, आइए तब तक हम हलवे को जमाने के लिए ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा देसी घी लेकर के साइडों में चारों तरफ से अच्छे से ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। अब हमारी चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का घोल डालेंगे और चलाते रहेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो कस्टर्ड नीचे तली में बैठ जाएगा और लग जाएगा। इसी तरह से इसको लगातार चलाते हुए हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड का घोल डालते रहेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें इस हलवे को लगातार चलाते हुए लगभग आधे घंटे तक पकाना है। लीजिए, चलाते चलाते पकते पकते हमारे कस्टर्ड के थोड़े थोड़े चंक्स दिखने लगे हैं, यानी कि हमारा कस्टर्ड जो है पाउडर वो पकने लगा है। पकाते पकाते हमारे कस्टर्ड का एक गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। लगभग 20 मिनट के बाद ये हमें ऐसा कस्टर्ड का गाढ़ा घोल तैयार होके मिलेगा। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके देशी घी डालेंगे। मैंने आधा कप देशी घी लिया है, जो कि मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चम्मच करके डालूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी और इसे चलाती रहूंगी। सारी देशी घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि सारी घी एक साथ कस्टर्ड में एब्जॉर्ब भी नहीं होगी और चलाने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देशी घी डालेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। जब देशी घी एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर इसमें फिर और थोड़ी सी देशी घी डालेंगे। ऐसा करते हुए हम लगभग इसे 15-20 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। घी के साथ पकाते हुए लगभग अब 20 मिनट हो गया है और हमारा हलवा भी रेडी हो चला है। तो इसमें हम एक चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसमें हम थोड़े से कटे हुए काजू मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसको चला करके मिला लेंगे। लीजिए, हमारा हलवा अब बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम ग्रीस लगे हुए ट्रे में पलट देंगे और उसमें इसे जमाएंगे। ऊपरी सतह को अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादामों को छिड़क लेंगे। बादाम से इसे डेकोरेट कर लेंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे, जमने देंगे। इसके लिए हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। लगभग एक घंटे के बाद हमारा हलवा जम के तैयार हो जाएगा। इसे हम पीसेस में काट लेंगे।
इस कस्टर्ड के हलवे को हम फ्रिज में लग के लगभग 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, हमारा कस्टर्ड हलवा बिल्कुल रेडी है। तो आप भी बनाइए, इस तरीके से कस्टर्ड हलवा खाइए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए। लीजिए हमारी लाजवाब जेली की तरह दिखने वाली और बेहद ही टेस्टी मिठाई तैयार है। तो इस बार रक्षाबंधन में आप भी बनाइए ये कस्टर्ड की लाजवाब मिठाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।